शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी भाई साहब, आप कब तक आने वाले हैं? जी 2 बजे तक। ठीक है भाई साहब, आ जाइए। हाँ ठीक। श्रुति, अरे कहाँ रह गई? आओ बाहर। हाँ मम्मी। ये क्या बेटा, तुम अभी तक चेंज क्यों नहीं की है? तुम्हें पता है ना 2 बजे तक वो लोग आने वाले हैं। जाओ जाके चेंज तो कर लो। जाओ। अरे मम्मी, पर दीदी नहीं आई, मैं कैसे तैयार हो जाऊँ? आप जल्दी से उनको कॉल करो, पूछो वो कहाँ है। अरे दीदी आ जाएगी। तुम जाके चेंज तो कर लो कम से कम। कॉल करो। अच्छा करती हूँ। मैं देखती हूँ। तेरी दीदी आ गई। हाँ शायद। हाय दीदी। हेलो, कैसे हो? नमस्ते जीजू। नमस्ते जीजू की लगती इतनी बड़ी हो गई कि आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हाँ, चलो चलो। ले ओ, इसी शहर में रहते हो और इतनी देरी से आते हो, पूछ लो। घर में थोड़ा सा काम था इसीलिए लेट हो गए। ये लीजिए मम्मी जी, आपने मिठाइयां जो मंगाई थी। अरे हाँ हाँ। श्रुति बेटा, इन्हें पानी पिलाओ और ये किचन में जाके रख दे। जल्दी जल्दी जल। अच्छा मम्मी, कब तक आने वाले हैं वो लोग? फोन पे तुमने बताया कि 2 बजे तक आ जाएंगे, पर ये लड़की है कि मानने को ही तैयार नहीं। कब से मैं उसे कह रही हूँ कि तू चेंज कर ले, लेकिन एक बात ही नहीं मानती है मेरी। अरे मम्मी आप चिंता मत करो, इसे तो मैं आधे घंटे में ही तैयार कर दूंगी। आप बस चाय नाश्ते की तैयारी करवाओ। अरे तुम चाय नाश्ते की चिंता मत करो, इसे जाकर रेडी करो, वो सब हम संभाल लेंगे। चलो जा, तो पहले चेंज कर ले। ठीक है। आ जा, चल बैठ। तुझे कैसा लगा यश का फोटो? पसंद है ना तुझे? फोटो में तो अच्छा ही लग रहा था, बाकी जब सामने आएगा तब देखेंगे। मुझे पसंद नहीं आया ना, मैं तो पक्का मना कर दूंगी उसको। अरे पागल, ऐसा भी कोई करता है क्या? किसका है? किसी का नहीं, मार्केटिंग वालों का। दिन भर परेशान करते हैं मुझे। अच्छा एक बात पूछूं? पूछिए ना। तेरा किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? अगर चल रहा है तो अभी बता दे, मैं मम्मी को मना कर दूं। कैसी बातें कर रही हो दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस मुझे तैयार करो जल्दी से, चलो। खराब हो गया क्या? लगता तो यही है, अब इसे भी रिपेयर कराना पड़ेगा। अच्छा चल छोड़, मैं तुझे तैयार करती पहले। चल बैठ। ओके। ये है हमारे बड़े दामाद विनय, ये जयपुर में रहते हैं, टेक्सटाइल कंपनी में मैनेजर है। नमस्कार। नमस्ते।
जयपुर में कहाँ पे आपकी फैक्ट्री? जी सीतापुर में। अरे वाह बहुत बढ़िया। लो ये आ गए। ये हमारी बड़ी बेटी अवंतिका है। नमस्ते। और वो है श्रुति। नमस्ते। आओ बेटा बैठो। भाई साहब आपको हमारी श्रुति से कुछ पूछना है? यश जी बेटा तुझे श्रुति से कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं नहीं पापा कुछ नहीं पूछना। तुझे यश से कुछ पूछना है तो पूछ ले वरना बाद में ये मत बोलना कि मुझसे पूछा नहीं गया। भाई साहब आपको हमारी श्रुति कैसी लगी? देखिए बहन जी हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। भाई एक बार श्रुति से भी पूछ लीजिए उसे हमारा यश पसंद है या नहीं। श्रुति यश पसंद है? देखिए इसे भी पसंद है यश। तो ठीक है भाई हमारी तरफ से यह रिश्ता पक्का समझ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप मुंह मीठा कीजिए ना बेटा मिठाई खिलाओ। तो बहन जी अगले महीने इन दोनों की सगाई करवा देते हैं क्या कहती हैं आप? अरे हाँ जैसे आपको ठीक लगे भाई साहब हमें कोई एतराज नहीं है। चलिए ये अच्छा है। ध्यान से तो ठीक है बहन जी मैं पंडित जी से पूछ के आपको सगाई की तारीख बताता हूँ। जैसे आप ठीक समझे भाई साहब हमें कोई एतराज नहीं। अब हमें इजाजत दीजिए। जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते अंकल। हाँ अंकल नहीं बेटा अब पापा कहने की आदत डाल लो। कैसे लगा तुम दोनों को लड़का? मम्मी यश तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उन लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। बहुत खुश रहेगी अपनी श्रुति। माँ जी लड़का तो अच्छा है लेकिन अपनी श्रुति से नहीं। अपनी श्रुति लाखों में एक है। ए, वो तो है। अच्छा मम्मी अब हम लोग भी चलते हैं कल इनका ऑफिस भी है और मुझे भी बहुत सारा काम है घर में। अरे बेटा इतनी जल्दी क्या है जाने की शाम को चले जाना। अरे मम्मी नहीं दीदी आज तुम कहीं नहीं जाओगी। जीजू आप यहाँ से भी तो ऑफिस जा सकते हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हैं और मुझे यहाँ से जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। देखा जीजू को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें जल्दी पड़ी रहती है जाने की। लेकिन श्रुति देर हो रही है। अवंतिका जब ये इतनी जिद कर रही है तो रुक जाते हैं। ये हुई ना बात प्यारे जीजू। देखो अभी मेरी शादी पक्की हो गई है तो अब मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी तुमसे। अरे पर तुम किसी और से शादी करी क्यों रही हो? अच्छा सुनो श्रुति हम लोग कहीं भाग कर शादी कर लेते हैं। नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं करना है। मेरे ख्याल से हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। श्रुति जब मैंने तुझसे उस दिन पूछा था तो तूने मुझे मना क्यों किया कि तेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है और ये अभी ब्रेकअप की बात किससे कर रही थी? श्रुति तेरा दिमाग कहाँ चल रहा है जल्दी बता। दीदी जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली एक लड़का है सुहेल नाम का कॉलेज कैंटीन में ही मिला था। नॉर्मली हाय हेलो हुई फिर कहीं से नंबर लेके उसने मुझे कॉल किया। मैंने भी टाइम पर ऐसे सोचकर उससे बात करना चालू कर दिया पर अभी वो सीरियस हो गया है। मैंने उसको बोला कि मेरी शादी पक्की हो गई मैं बात नहीं कर सकती बट वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं बोलता भाग चलो मेरे साथ। मैं खुद परेशान हो गई उसे समझा समझा के। ये देखो अभी भी उसी का कॉल आ रहा है। ला मुझे दे मैं बात करती हूँ उससे। हेलो हेलो आप कौन? मैं श्रुति की बहन अवंतिका। अच्छा नमस्ते दीदी। नमस्ते ना तू अपने पास रख समझा और मेरी बात जरा ध्यान से सुन। श्रुति ने मुझे बताया कि तू बार बार कॉल करके उसे परेशान कर रहा है। देख उसकी ना शादी पक्की हो गई है तो आज के बाद अगर उसे परेशान करने की कोशिश की ना तो पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी तेरी समझा। पुलिस वाले ना तेरी सारी आज के निकाल देंगे समझा। हेलो हेलो काट दिया ना फोन डर गया होगा। देख आज के बाद अगर इसका फोन आया ना
तो सबसे पहले मुझे बताएगी, खबर लेती हूँ मैं इसकी जरा। ठीक है दीदी, चल रात बहुत हो गई है, चल सो जा। आप चलो मैं 2 मिनट में आई, ठीक है? अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। यश का कॉल। हेलो, ये क्या कर रहे हैं आप? श्रुति, तुम मेरी साली हो ना, मतलब आधी घर वाली हो, तो इतना तो कर सकते हैं। घटिया इंसान होंगे ना, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इससे पहले मैं शोर मचाना शुरू करूँ ना, निकलो मेरे कमरे से, निकलो यहाँ से। श्रुति मेरी बात, निकलो। श्रुति बात सुनो, मेरे बहन के पति हो इसलिए सिर्फ कमरे से निकाल रही हूँ, वरना धक्के देके घर से बाहर निकालती, समझे? निकलो। चलो मैं ऑफिस निकलूँ, ठीक है? हाँ, अच्छा शाम होने से पहले घर आ जाना। हाँ हाँ, मुझे भी अभी थोड़ी देर में निकलना ही होगा, क्योंकि मुझे फोन रिपेयर करवाना ना, तो इसलिए मार्केट जाना है। ठीक है। अरे श्रुति, तू कॉलेज जा रही है? हाँ दीदी। तो अपने जीजू के साथ निकल जाना, वो तुझे कॉलेज तक ड्रॉप कर देंगे। नहीं दीदी, मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया, तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो मैं भी चलता हूँ। अरे विनी चला गया? हाँ माँ। अच्छा मैं भी चलती हूँ अपना। अरे चली जाना बेटा, दोपहर के बाद चली जाना, इतनी जल्दी क्या है? अरे नहीं मम्मी, दरअसल मुझे अभी मार्केट जाना है, फिर अपना फोन भी तो ठीक करवाना है ना, अब उसमें भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुझे, फिर घर जाना है, वहाँ पर भी इतना सारा काम है, इसलिए अभी निकलना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा चली जाना, चली जाना, बैठ चाय पी। अरे मम्मी बैठ जा, बैठ, ठीक है आओ बैठ, ठीक हो जाएगा सब। इतना श्रुति बोल। हाँ दीदी, फोन सही हो गया आपका? हाँ सही हो गया, 1 घंटे तक बैठना पड़ा मुझे इस फोन के चक्कर में। अच्छा तू बता क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस यश से बात कर रही थी। अरे वाह, तुम दोनों की बातें भी चालू हो गई, फिर तो प्लानिंग भी कर ली होगी तुम दोनों ने। हनीमून, बच्चे, बच्चों के नाम। आप भी ना दीदी, हमेशा मेरी टांग खींचती रहती हो। अरे नहीं। अच्छा ये बता, सुहेल का कॉल तो नहीं आ रहा ना फिर से? नहीं, मुझे लगता भी नहीं कि उसका कॉल आएगा, आपने इतना डरा जो दिया था उसे। अच्छा श्रुति मैं ना तुझे बाद में कॉल करती हूँ, अभी खाना भी बनाना है, तेरे जीजू आते ही होंगे। ठीक है? ठीक है दीदी, बाय, ध्यान रखना। ओके बाय। Thank you.
गया सारा काम? हाँ हो गया। कहाँ कोई ध्यान कहाँ है? मेरी तरफ ध्यान भी नहीं। कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान हो। थकान हो गई है? आज नहीं प्लीज, बहुत थक गई हूँ मैं। प्लीज उठो। सुनो तो यार। यार 8 बज गए हैं, उठो। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना है यार। कितनी देर तक सो रहे हो, उठो अब। जाना है ऑफिस, बस 3 घंटे के लिए जाना है। क्या ना कि ऑफिस में रेनोवेशन चल रहा है, तो बस हाफ डे के लिए जाना है। विनय, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जो तुम वीडियोस और फोटोज क्लिक करते हो मेरी, उनका करते क्या हो? मतलब क्या करते हो उनका? करते हो से क्या मतलब है? अरे डिलीट कर देता हूँ, ऐसी वीडियो कोई फोन में तो रखता नहीं। अगर डिलीट कर देते हो तो फिर बनाते ही क्यों?
क्या है ना कि जब मैं तुम्हें मोबाइल में ऐसे देखता हूँ ना तो मेरी जो एक्साइटमेंट है वो डबल हो जाती है। लेकिन क्या बात, आज सुबह सुबह ही सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा चाय पी लो तुम। दो चाय। आधा किलो टमाटर दे दो। नहीं। कितने रुपए हुए? भाभी जी आपसे कैसे पैसे, आप तो बस ले जाइए, शाम को फोन करें तो खा ले। क्या बकवास कर रहे हो? नॉनसेंस। विनय को बताऊं या नहीं, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कर लेना, पहले प्लीज ठंडा पानी ला के दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है मैं लाती हूँ। ये सब क्या बंदिका, तुम घर पर रहकर ये अयाशियां करती हो? मैं तुम्हें इसके बारे में बताने ही वाली थी, मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है। मैं तो खुद कल से परेशान हूँ बिने। अच्छा तुम्हें नहीं पता कि कौन कर रहा है? कोई तुम्हारा फोन यूज कर रहा है, उसे चैट कर रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता? एटलीस्ट झूठ तो ढंग से बोलो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया औरत हो। बिने मुझे सच में नहीं पता ये कौन कर रहा है, मैंने किसी को कोई मैसेजेस नहीं किए। तुम्हें नहीं पता
लेकिन ये जो गंदी गंदी पिक्चर तुम भेज रही हो उनका क्या? मैंने किसी को कोई फोटो नहीं भेजी है। तुमने नहीं भेजी? नहीं। तुमने नहीं भेजी? नहीं। तो तुम्हारे भूत ने भेजी है। तुमने मुझे कहीं नजर मिलाने लायक नहीं छोड़ा है। पता नहीं लोग बाहर क्या बोल रहे होंगे कि हस्बैंड सारा दिन काम में बिजी रहता है और घर वाली घर पर बैठ कर अयाशियां करती है। मेरी बात का यकीन तो करो, मैं कुछ नहीं किया। तेरे घर से बाहर निकलो, जो अयाशियां करनी है अपनी माँ के घर कर, माँ के घर जाके कर, कर बाहर यहाँ से। दीदी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अच्छा अंदर आ, चलो अंदर चलो। क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पे? पता नहीं ऐसे झगड़ा हुआ मेरा। बच्चे बच्चे क्या हुआ मेरे बच्चे? रोना बंद कर, रोना बेटा, पानी दे ले बेटा, पानी पानी, सब ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है। विनय को फोन लगा, पूछ क्या हुआ, पूछ उससे। हाँ बोलो। हेलो जीजू, क्या हुआ है, दीदी रो क्यों रही है? काम जो उसने ऐसे किए हैं, रोएगी ना, बाजारू औरत है तेरी बहन, समझी? जीजू दिमाग तो ठीक है आपका, गुस्से में कुछ भी बोले जा रहे हो आप। ए गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, होश में बोल रहा हूँ। और अगर इतनी तकलीफ है ना बहन के रोने से, तो चल कर यहाँ आकर सबूत देख ले, समझी? जीजू हेलो हेलो, क्या कहा, क्या कहा मिले ने? अरे बता ना, अब तू कहाँ चली श्रुति? अच्छा, तू मुझे बता सकती है ना? बता क्या हुआ, मुझे अच्छी तरह से बता बेटा, बता क्या हुआ। बबी मुझे लोगों के बहुत गंदे गंदे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे फोन में पता नहीं कितनी सारी फोटोज दिख रही है मुझे। ये सब क्या बंदिका, तुम घर पर रहकर ये अयाशियां करती हो? विनय मेरी बात का यकीन तो करो, मैंने कुछ नहीं किया। हो गया, तेरे घर से बाहर निकलो। विनय को भी बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने कुछ भी नहीं किया मम्मी, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं सुन रहा है, मैं क्या करूं? इतना सब कुछ हो गया, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अच्छा एक काम करते, आप पुलिस को जाकर बता देते। नहीं मम्मी, अगर बाहर किसी को पता चल गया मेरे बारे में क्या सोचेंगे सब लोग, और फिर यश और उसकी फैमिली को अगर पता चल गया कहीं वो रिश्ता ना तोड़ दे। अरे मम्मी देखो ना, श्रुति की खुशियों का भी तो सवाल है। नहीं, पुलिस के पास जाना ठीक नहीं होगा। जो रिश्ता अभी तक जुड़ा नहीं है उसके टूटने का क्या गम करने का बेटा, तेरा और विनय का रिश्ता तो जुड़ा हुआ है, अगर वो टूट जाए तो ये कोई समझदारी वाली बात है नहीं ना। चल हम पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच सच बता देते, पुलिस हमारी मदद करेगी बेटा। चल तू मेरे साथ चल। वो तेरा फोन कहाँ गया बेटा? देख तेरी बहन अवंतिका क्या करती है, लोगों से गंदी गंदी फोन पर बातें करती है, मेरी पीठ पीछे लोगों को घर भी बुलाती होगी। तेरी बहन ने ना मुझे कहीं का छोड़ा नहीं है, कालिक पोस दी उसने मेरे चेहरे पर, कालिक। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि दीदी ये सब। तू उस दिन मुझे क्या कह रही थी, उस रात को क्या कहा कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ, और ये जो तेरी बहन ने किया वो क्या सोच, तेरे होने वाले पति यश को अगर ये सब पता चलेगा तो वो क्या करेगा, रिश्ता तोड़ देगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे किसी ने मुझे बर्बाद करते हुए तो कुछ सोचा नहीं, तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? अभी फोन करता हूँ यश को और बताता हूँ कि तेरी होने वाली बहन की बीवी ना बाजारू औरत है। रुक। जीजू प्लीज ऐसा मत करिए ना, दीदी ने जो भी किया आप उसकी गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? अच्छा नहीं बताऊंगा यश को, और उस अवंतिका को भी माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? उस रात जो मैं करना चाहता था ना वो करने दो बस। जीजू सोच ले, मैं यश को बताऊं।
करने की दीदी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। चुप कर श्रुति, अवंतिका ने कुछ नहीं किया है। पता नहीं विनय क्या कान में भरा है तेरे। जीजू ने कुछ नहीं बोला है मम्मी, सब इनके फोन में है। ये देखिए, पता नहीं क्या जरूरत पड़ गई थी तो ये सब कर रही थी। ये या तो पैसों के लिए किया होगा और या फिर नहीं। जबान संभाल के बात कर, तुझे अपनी बड़ी बहन पे भी भरोसा नहीं रहा क्या? यश का कौन? हेलो यश, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। नहीं श्रुति, अब कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ मैं। सुबह से उलझन में था कि तुमसे कैसे बात करूँ, पर अब सोच लिया मैंने। क्या सोच लिया है? यही कि अब ये रिश्ता नहीं हो सकता श्रुति। तुम्हारा परिवार इतना घटिया है श्रुति, ये मैंने नहीं सोचा था। भला ऐसे परिवार में कौन शादी करेगा जिनकी औरतें इतना घटिया काम करती। मैंने किया क्या है ये तो बताओ। तुमने नहीं, तुम्हारी दीदी ने। गंदे गंदे मैसेज सेंड करती है मुझे। पहले तो लगा मजाक कर रही है, रिश्ता है। आज तो हद कर दी उन्होंने। उन्होंने अपना एक गंदा वीडियो सेंड किया मुझे। मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई वास्ता नहीं। यश मेरी बात तो सुनो। हेलो यश, हेलो। रिश्ता तोड़ दिया यश ने, क्योंकि इन्होंने भी यश को अपने फोटोज और वीडियोस भेजे। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना दीदी। कैसी घटिया औरतों को सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा होता तो मर जाती, कम से कम ये बदनामी तो नहीं होती ना। चुप कर बेटा, चुप कर। यू नो व्हाट, मेरे लिए ना तुम आज ही मर गई हो। श्रुति ऐसे नहीं बोलते बेटा। श्रुति, श्रुति क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं मेरे बच्चे, कुछ नहीं। चुप हो जा, चुप। देखो गुस्से में है मैं, इसलिए कुछ भी बोल देती। तो उसकी बात को दिल पर मत लगा। अच्छा मेरी बात सुन, हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं बेटा, पुलिस हमारी मदद करेगी। उससे क्या होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या फिर से? ठीक हो ना हो, लेकिन हमें पता तो चल जाएगा ना कि ये सब किसने किया। मेरी अच्छी बच्ची है ना, चल हम पुलिस के पास चलते हैं, वो हमारी मदद करेगी। चल चल चल, मैं लेके चलती हूँ ना तुझे। अच्छा देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, कितने गंदे गंदे मैसेजेस भेज रहे हैं इसे मोबाइल पे। इसकी वजह से इसके घर में बहुत क्लेश हो रहा है। लेकिन इसमें तो इनकी ओर से भी मैसेजेस और फोटोज भेजे गए हैं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसने किसी को मैसेजेस नहीं डाले। बता ना बेटा, तू बता। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी को मैसेजेस नहीं भेजे। और ये वीडियो? ये वीडियो झूठा है सर, मैं नहीं जानती ये किसका वीडियो है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जरूर इस वीडियो को मॉर्फ किया गया होगा। अरविंद एक काम करो, इन नंबर्स के डिटेल्स निकालो, जिसने भी ये मैसेजेस और फोटोज भेजे हैं उनसे पूछताछ करो। देखिए आप परेशान मत होइए, हम अपनी तरफ से कार्यवाही शुरू करते हैं। हमें जैसे ही पता चल जाएगा कि सब किसने भेजा है, हम आपको बता देंगे। अभी आप इन्हें घर ले जाइए, इन्हें आराम करने की जरूरत है। ठीक ठीक, आप प्लीज पता करवाइए। हाँ प्लीज। साहब पहले भाभी जी का ही मैसेज आया था हमारे मोबाइल पर, फोटो भी भेजी थी हमें अपनी, तो हम भी मैसेज भेज दिए। साहब वो भाभी जी तो हमसे ही सब्जी खरीदती है, जब पहली बार उन्होंने हमें अपनी फोटो भेजी तो हम भी सोच में पड़ गए। फिर हमने सोचा होगा शायद भाभी जी को इन सब का शौक है, फिर हमने भी अपनी फोटो भेज दी। श्रुति मेरी बात तो सुन प्लीज। श्रुति, श्रुति प्लीज मेरी बात तो सुन।
मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया औरत हो। तेरे घर से बाहर निकलो। अब जो याशियां करनी है, नंगा नाच करना ना, अपनी माँ के घर करना। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना दीदी। कैसी घटिया औरत हो तुम? कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा होता तो मर जाती। अवंती बेटा, ये लो चाय पी लो बेटा। लेन सर, गेट बड़े को नीचे उतार लिया है, पंचाव बना दिया सर, इधर आइए सर। मेरी बच्ची, मोबाइल की वजह से जान गई अवंतिका की। अंदाजा नहीं था ये ऐसा कदम उठा लेगी। तुमने उन लोगों से पूछताछ की जिन्होंने इसे मैसेजेस और फोटोज भेजे थे? सर सबका कहना यही है कि पहले अवंतिका ने ही उन्हें मैसेज और फोटो भेजे थे, उसके बाद ही उन्होंने उसका रिप्लाई दिया। तो वो लोग सच भी बोल रहे थे तो मैंने सबके फोन चेक किए सर। अरविंद, हो ना हो कोई है जो इस मोबाइल को कहीं और से ऑपरेट कर रहा है। इस मोबाइल को आईटी डिपार्टमेंट में भेजो सर, और उनको बोलो कि उस पर्सन को ट्रेस करे जो ये सब कर रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। साहब, रात में मैं अपना काम खत्म करके अपने कमरे में सोने चली गई। मुझे क्या पता था कि अवंतिका खुदकुशी करने वाली है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं उसे अकेला कभी नहीं छोड़ती। साहब, मेरी बच्ची रो रो कर सबसे कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, पर किसी ने उसके बात पर विश्वास ही नहीं किया। साहब, मेरी बच्ची मर गई। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें भरोसा करना चाहिए था अपनी बड़ी बहन पर। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में सब कुछ पॉसिबल है। जाहिर सी बात है कि कोई है जो अवंतिका के मोबाइल को ऑपरेट कर रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उसे ये सब करने के लिए अवंतिका के मोबाइल की जरूरत पड़ी होगी, और हो ना हो आपका कोई करीबी है जिसकी पहुंच अवंतिका के मोबाइल तक थी। आपको किसी पर शक है? किस पे शक होगा साहब? गिनती के चार लोग तो है घर में, किस पे शक करेंगे? मुझे शक है। किस पर? जीजू पर। क्या बोल रही है तू? हाँ मम्मी, जीजू की गंदी नजर थी मुझ पर। उस रात दीदी और जीजू जब हमारे घर रुके थे तो रात को जीजू मेरे कमरे में आए थे और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैंने उन पे गुस्सा किया और उनको कमरे से बाहर निकाल दिया। और कल भी जब मैं उनके घर गई ये पता लगाने के लिए कि दीदी और जीजू के बीच आखिर बात क्या हुई है, तो उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। कहने लगे कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो यश को सब कुछ बता देंगे दीदी के बारे में। मैं चुप रही और जीजू ने मेरे साथ, मुझे लगता है उन्होंने मुझे पाने के लिए ही सब किया है। क्या हुआ मेरी बीबी को? बोलो क्या हुआ उसे? क्या हुआ मुझे? तेरी वजह से तेरी बीवी की मौत हो गई और अब भोला बनने का ड्रामा कर रहा है। श्रुति को पाने के लिए किया ना सब तूने? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात का यकीन कीजिए सर। मैं मानता हूँ कि मेरी श्रुति के ऊपर गंदी नजर थी सर, जो मैंने श्रुति के साथ किया वो गलत है सर। पर सर
मैं इन मैसेजेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता सर। मुझे लगा कि अवंतिका का कैरेक्टर सच में सही नहीं है सर। तेरी बीवी तेरे सामने गिड़गिड़ाती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन तूने उसकी एक ना सुनी। कैसा पति है तू जिसने अपनी बीवी पर यकीन नहीं किया? अगर किया होता ना तो शायद वह जिंदा होती। इसके लैपटॉप और मोबाइल से कुछ मिला? नहीं सर, इसके मोबाइल और लैपटॉप में कुछ भी नहीं है, ना ही अवंतिका का फोन इन डिवाइसेस से ऑपरेट हो रहा था। देखा सर, सर मैं आपको कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सच में मैं उन्हें भले ही कुछ ना किया लेकिन श्रुति के रेप केस में तुझे सजा जरूर होगी। सर एक आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ है जिससे अवंतिका का फोन ऑपरेट किया जा रहा था। तुम्हारा नाम है? अपना फोन देना। क्या हुआ सर? फोन तो दो, रूम चेक करना। वहाँ क्या है? क्या बात है सर? बताते हैं। यही है सर। यही है? बेटा बारह है। बारह चल शुरू हो जा। हाँ सर, मैंने किया ये सब। मैं उन सब लोगों को मैसेजेस कर रहा था अवंतिका के मैसेजिंग अकाउंट से। पर क्यों? क्योंकि मैं श्रुति से प्यार करता हूँ। दरअसल मैं जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ श्रुति भी उसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही है। हम दोनों की पहली मुलाकात वहीं हुई थी। मैं डेली कॉलेज नहीं जाता हूँ, ज़्यादातर अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर ही रहता हूँ, इसलिए हम दोनों की बात कॉल पर ही होती थी। घंटों बातें किया करते थे हम लोग। फिर पिछले दिनों श्रुति मुझे इग्नोर करने लगी। उसने बताया कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। देखो अभी मेरी शादी पक्की हो गई है तो अब मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी तुमसे। अरे पर तुम किसी और से शादी करी क्यों रही हो? अच्छा सुनो श्रुति, हम लोग कहीं भाग कर शादी कर लेते हैं, चलो। नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं करना है। मेरे ख्याल से हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। उस अवंतिका ने मुझे पुलिस की धमकी दी थी। देख उसकी ना शादी पक्की हो गई है तो आज के बाद अगर उसे परेशान करने की कोशिश की ना तो पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी तेरी, समझा? मैं भी डर गया था, गुस्सा तो बहुत आया था मुझे। क्या करता, कुछ था नहीं मेरे हाथ में, इसलिए चुपचाप बैठ गया। लेकिन अगले ही दिन अवंतिका मेरी दुकान पे आई अपना मोबाइल रिपेयर करवाने। ये फोन भी करवाना था। भैया मेरा फोन ऑन नहीं हो रहा है, देखना एक बार। हाँ वैसे कितना टाइम लगेगा इसमें? चेक करके बताता हूँ, बैठिए। अवंतिका ने मुझे पहले कभी देखा नहीं था इसलिए मुझे पहचान नहीं पाई, लेकिन मैं पहचान गया उसे क्योंकि मैं श्रुति को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, उसकी सारी पोस्ट देखता हूँ और उसी की एक पोस्ट में मैंने उन दोनों बहनों को साथ में देखा था। उस दिन अवंतिका का फोन जब रिपेयर हो रहा था तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं दोनों बहनों से आसानी से बदला ले सकता हूँ और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जब उसका मोबाइल रिपेयर हो गया तो मैंने उसका मैसेजिंग अकाउंट अपने मोबाइल पे क्लोन कर लिया। अब उसका मैसेजिंग अकाउंट मैं अपने मोबाइल पे ऑपरेट कर सकता था। फिर इंटरनेट से कुछ मॉडल्स के फोटोज पर अवंतिका का चेहरा एडिट किया मैंने। और उसी के मैसेजिंग अकाउंट से उन लोगों को रोमांटिक मैसेजेस और फोटोज सेंड करी। फिर क्या था, उन लोगों ने रिप्लाई किया और अवंतिका का परेशान होना शुरू हुआ। मेरा बदला एक तरह से वहीं पूरा हो गया था। लेकिन श्रुति
श्रुति और यश का ब्रेकअप करवाना था, इसलिए एक और वीडियो पर अवंतिका का चेहरा माफ किया, फिर वो यश को सेंड कर दिया। बस जो सोचा था वही हुआ, यश ने श्रुति से रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अवंतिका सुसाइड कर लेगी। सुसाइड नहीं, मर्डर हुआ है उसका, और वो तूने किया है, जिसकी सजा तुझे कोर्ट देगा। तू चाहता तो पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कुछ भी बन सकता था, पर तेरी नादानी ने ना सिर्फ तेरी बल्कि दो परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी। अब यहाँ जेल में बैठ कर दीवारों के साथ मिशकर लड़ाना।